हेलो गाइस, तो टेक्निकल लवर्स क्या हाल चले। पहले तो दोस्तों इंस्टाग्राम आपको डीएक्टिवेट करने के लिए इंस्टाग्राम अपडेट करके ले लीजिए, क्योंकि नए ऑप्शन आ चुके हैं, इसलिए इंस्टाग्राम आपको अपडेट लेना बहुत ही ज़रूरी है। सिंपल दोस्तों, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम अपडेट करके ले लिया है और सिंपल इसे हम लोग ओपन करेंगे। तो दोस्तों पहले तो बहुत डिफरेंट यहाँ पर अकाउंट बहुत सारे ऑप्शन आ देते हैं, मतलब घुमा फिरा के यहाँ पर डीएक्टिवेट अकाउंट करना होता था, लेकिन अभी यहाँ स्ट्रेट एंड इजी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं, डीएक्टिवेट डिलीट अकाउंट एक ही क्लिक में कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखने वाले इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट किस तरह से किया जाता है। सिंपल दोस्तों, यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके लेना है। ओपन करने के बाद कॉर्नर में आपको थ्री लाइन दिखाई दे रहा है, तो सिंपल आपको थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देता है, सेटिंग एंड प्राइवेसी। तो पहले यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आता था, लेकिन अभी यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी ऑप्शन हो चुका है, तो सिंपल हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अकाउंट सेंटर का नया ऑप्शन आ चुका है, तो सिंपल हमें क्या करना है, अकाउंट सेंटर के अंदर चले जाना है। चलिए अकाउंट सेंटर के ऊपर क्लिक करते, जैसे ही दोस्तों एंटर होंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखना है पर्सनल डिटेल्स का, तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक लास्ट में ऑप्शन आता है, देखिए अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, तो सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करके ले लेना है। चलिए इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। आप जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर डीएक्टिवेशन और डिलीशन, तो इसका मतलब ही नहीं समझ में आता है। तो क्या है दोस्तों, डिलीशन का मतलब अकाउंट डिलीट, और यहाँ से डीएक्टिवेशन का तो आपको पता है, डीएक्टिवेट करना है मुझे अकाउंट, तो दोनों एक ही ऑप्शन में हो जाएगा, आपका डिलीट भी अकाउंट हो जाएगा और डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। तो कुछ दिन के लिए ब्रेक लेने के लिए हम लोग डीएक्टिवेट करने वाले, तो चलिए डीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफाइल दिखाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। एंड जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर आएंगे, दो ऑप्शन आपको पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर डीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक है और नीचे ऑप्शन है डिलीट अकाउंट। अगर आपको डिलीट अकाउंट करना है तो डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर डीएक्टिवेट अकाउंट करना है तो डीएक्टिवेट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे इस तरह से। दोस्तों क्या होता है, डीएक्टिवेट करने से हमारा अकाउंट सर्च में नहीं आता है, ना ही आपकी अकाउंट की जो आईडी है वो किसी को यहाँ पर दिखने वाली नहीं है। कितना भी सर्च करे, आपके फ्रेंड लिस्ट में जाए, फ्रेंड लिस्ट में से आपके दोस्त के फ्रेंड लिस्ट में जाए, आपकी आईडी देखने की कोशिश करे, वो नहीं दिखने वाला, डीएक्टिवेट हो चुका होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, डीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके ले लेना है। अभी दोस्तों फाइनली यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना होता है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप लोग नया पासवर्ड बना सकते हो और यहाँ पर फिर से इंटर कर सकते हो। तो मैं चलिए यहाँ पर पासवर्ड मैंने तो गूगल क्रोम में सेव करके रख लिए है, और सिंपल मैं यहाँ पर पासवर्ड मेरा जो आईडी है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड आ चुका है। और डिलीट करने के लिए सिंपल हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। चलिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, और एक कोई भी आपको रीज़न यहाँ पर दे देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं टू मेनी एड्स के ऊपर क्लिक करूँगा इस तरह से, और सिंपल एक बार कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। और आप लोग देख रहे दोस्तों कंटिन्यू का एक फाइनल ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, तो कंटिन्यू मैं करके ले लूँगा एक बार। और आप लोग देख रहे डीएक्टिवेट अकाउंट, कुछ दिन के लिए आप लोग ब्रेक लेना चाहते हो, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है डीएक्टिवेट करने का आपका अकाउंट, तो डीएक्टिवेट करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, एंड फाइनली यहाँ पर मेरा डीएक्टिवेट अकाउंट हो चुका है। तो सिंपल दोस्तों मेरा अकाउंट यहाँ पर डीएक्टिवेट हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेरा अकाउंट नहीं बता रहा है। तो फिर से अगर आप लोग का माइंड चेंज हो जाता है, एक्टिवेट करना चाहते हो, तो फिर से आप लोग क्या करेंगे, स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा टेक्निकल लवर्स वाला है, तो यूज़र नेम मैं इंटर कर लेता हूँ और पासवर्ड भी आ चुका है। सिंपल यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा, एंड फाइनली हमारा अकाउंट फिर से यहाँ पर वापस आ जाएगा। चलिए वेट करते हैं। आप लोग देख रहे दोस्तों हम लोग ने डीएक्टिवेट भी किया था और फिर से हमने अकाउंट ये एक्टिवेट भी किया। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट में, पसंद आए लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।